दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ही सिंपल गार्डनिंग चैनल में। और फ्रेंड्स आप मेरा रोज़ का फ्लावर देख रहे हैं कितना प्यारा कलर है। फ्रेंड्स अब ये पूरा नहीं खिला है, जब ये पूरा खिल जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगता है ये फ्लावर। आइए फ्रेंड्स आपको अपने कुछ और विंटर प्लांट्स दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये मेरी पिटोनिया की सैपलिंग्स हैं और ये मैंने ऐसे ही घर में वेस्ट टब पड़ा था उससे मैंने लगा दी हैं। एक पॉट में मैंने एक टब में मैंने 3 सैपलिंग्स लगाई हैं और देखिए कितनी अच्छी चल रही हैं ये। और फ्रेंड्स ये देखिए ये 2 सैपलिंग्स मैंने इसमें एक छोटे से टब में लगा दी हैं। फ्रेंड्स ये मेरे वर्बीना के प्लांट्स हैं और ये मैंने एक किचन कंटेनर में लगाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें भी वर्बीना ही लगा है। फ्रेंड्स ये मेरे पिटोनिया के फ्लावरिंग देख सकते हैं आप। और ये देखिए फ्रेंड्स ये वाइट वाला है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। फ्रेंड्स ये मेरा पिंक का देख रहे हैं आप कितना प्यारा कलर है इसका और कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, बिल्कुल नया प्लांट है मेरा। फ्रेंड्स ये मेरे डहलिया की सैपलिंग्स हैं और इसको 2 सैपलिंग्स ही मैंने दोनों को एक ही पॉट में लगा दिया। ये बड़े वाले डहलिया है फ्रेंड्स, अब थोड़े और बड़े हो जाए तो मैं इनको अलग अलग कर दूँगी क्योंकि डहलिया को थोड़ा बड़ा ही बड़े वाले डहलिया को फ्रेंड्स थोड़ा बड़ा ही पॉट चाहिए रहता है, करीब 10 इंच का। तो इस ये 10 इंच का ही पॉट है फ्रेंड्स, इसको मैं एक सैपलिंग को एक ही पॉट में रखूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पास डहलिया की और सैपलिंग्स हैं और ये कितनी अच्छी चल रही हैं फ्रेंड्स। और ये जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं 2 लीटर वाली, उन्हीं को काट के मैंने बनाया है ये। फ्रेंड्स ये मेरा गेंदे के फ्लावर्स, अब देखिए कितनी सारी कलियां हैं। फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरी कैंडोला की सैपलिंग्स हैं और सब लग चुकी हैं, देख रहे हैं आप। और ये देखिए गजनिया, ये भी सबको मैं सेपरेट करूँगी, थोड़ा मुझे प्लांटर्स आने हैं फ्रेंड्स, उसके बाद ये इसको मैं सबको सेपरेट कर दूँगी। ये सब विंटर के बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स। ये आज मैंने विंटर के कुछ प्लांट्स लिए हैं क्योंकि मेरे पास सैपलिंग्स बहुत सारी हैं तो मैंने कुछ थोड़े ही प्लांट्स लिए हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं लूँगी इसके। और ये देखिए फ्रेंड्स ये 2 प्लांट्स डेंटस के हैं और इसकी कटिंग बहुत ईजी चल जाती है फ्रेंड्स। आप इन्हीं प्लांट से मैं अभी डेंटस के 2-3 प्लांट्स और तैयार करूँगी इन्हीं को कट करके। ये देखिए फ्रेंड्स आप इसकी इतनी भी बड़ी कटिंग निकाल कट करके और नॉर्मल सॉइल में आप इसको दबा दीजिए, ये कटिंग बहुत जल्दी 10 दिन में ही तैयार हो जाती है। और देखिए फ्रेंड्स का कलर कितना प्यारा है फ्रेंड्स। ये देखिए ये है मेरे पास पैंसी, ये मेरा मैंने ये मेरा पहला प्लांट है जिसको मैं पहली बार इसको लेकर आई हूँ अपने गार्डन में, मैंने ऐड किया है और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। ये उन्होंने मुझे 35 का बोला था लेकिन 30 में दिया है और इसके वहाँ और भी 2-3 कलर्स है लेकिन मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने यही ले लिया है। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं गजानिया, फ्रेंड्स इसको तो सभी जानते हैं क्योंकि बहुत अच्छा विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। और फ्रेंड्स इसकी खासियत ये है कि धूप में ही फ्लावरिंग करता है, अगर विंटर में जिस दिन धूप नहीं निकलती उस दिन इसका फ्लावर खिलता भी नहीं और शाम होते होते जैसे जैसे धूप ढलती जाती है वैसे वैसे ही बंद हो जाता है फ्लावर्स का और दूसरे दिन फिर खिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये देखिए टहलिया का है, ये इन्होंने बोला कलर तो मुझे नहीं बताया, उन्होंने कहा जो भी होगा कलर बहुत अच्छा आएगा और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसकी फ्लावरिंग होगी और काफ़ी हेल्दी प्लांट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी, ये देखिए ये मेरा सदाबहार का है कटिंग मैं लाई थी, ये नॉर्मल सदाबहार की कटिंग है जो देसी सदाबहार, इस ये बहुत इजी कटिंग से चलने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। मेरे पास पर्पल कलर का तो है लेकिन इस कलर का नहीं है और मैं वाइट कलर का एक लगाना चाह रही थी, इसको मैं नॉर्मल सॉइल में लगा दूँगी, बहुत ईजी चल जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये पैंसी तो इसका तो देख के ऐसा लगता है जैसे फूल के ऊपर बटरफ्लाई बैठी हो, कितना खूबसूरत है ये देख रहे हैं आप। और अब इन सारे प्लांट्स के लिए आप जो विंटर की मिट्टी तैयार कीजिए उसमें आप
मैं तो हमेशा 30% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 40% सैंड यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए रहता, तो पानी ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए और हमारे प्लांट्स काफ़ी अच्छे से चलते हैं, हेल्दी। ये देखिए फ्रेंड्स, शाम हो रही है तो इसका फ्लावर खुद ही ऑटोमेटिक आप देख रहे होंगे, फ्लावर धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा एकदम मुट्ठी जैसा ऐसे करके, और दूसरे दिन फिर खिल जाएगा ये पूरा एकदम बड़ा सा होकर खिलता है फ्रेंड्स, बहुत प्यारा लगता है फ्लावर्स। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।